किसानों के आंदोलन को लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा है। शिवसेना का कहना है कि सरकार ने नोटबंदी से किसानों को बर्बाद किया और अब किसानों के प्रति बेपरवाह है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, कई साल बाद पिछले साल का मॉनसून किसानों के लिए उम्मीदें लेकर आया था और भारी फसल उत्पादन हुआ था, लेकिन नोटबंदी के चाबुक ने उन्हें अपनी फसलों को मिट्टी के मोल बेचने पर विवश कर दिया। उन्हें अपना लगाया धन भी नहीं मिल पाया और नतीजा ये हुआ कि कर्ज में दबे किसान भारी घाटे में डूब गए। सरकार कृषि क्षेत्र के विकास के वादे के साथ सत्ता में आई थी, लेकिन आज वो इस क्षेत्र को कर लगा देने के नाम पर डराती रहती है। सामना में आगे लिखा गया है, पंचायत से लेकर नगर निगमों तक के चुनाव जीत लेना आसान है। यदि आपके पास पैसा है तो आप चांद पर हो रहा चुनाव भी जीत सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि जनता आपकी नौकर है। किसानों की भावनाओं को समझने के लिए जरूरी है कि ये समझ लिया जाए कि वो महज वोट बैंक नहीं है। शिवसेना ने बीजेपी पर पैसों के दम पर चुनाव जीतने का आरोप लगाया और लिखा, हम ये जानना चाहते हैं कि जब भाजपा चुनाव में सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च सकती है तो फिर वो कर्ज माफी में हिचकिचा क्यों रही है। बता दें कि पिछले कई दिनों से कर्ज माफी को लेकर महाराष्ट्र के किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन बेकाबू हो गया, जिसके बाद पुलिस को लाठी तक चलानी पड़ी। इसी को लेकर शिवसेना ने बीजेपी पर निशाना साधा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।